हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द बीके एडिट। तो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो लाइटरूम एप्स के अंदर। गाइस, जाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह की एडिटिंग करनी आएगी। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को ओपन कर देना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपनी इमेज को ओपन कर दिया लाइटरूम के अंदर। और गाइस लाइटरूम के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको इस टूल के अंदर चले आना, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैंने क्लिक कर दिया, और यहां से आपको इसके शेडो को सबसे पहले डाल लेना इस तरीके से 30, ठीक है। एंड इसके वाइट को थोड़ा कम कर देना है, और इसके ब्लैक्स को आपको यहाँ से थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देना, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको हल्का सा डाल देना, ठीक है, इतना सा, राइट। एंड सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक करूँगा। ओके गाइस, तो अब आपको कहना है कि सेकंड टूल्स के अंदर चले आने, कलर टूल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको कहना है कि इसके टेम्पर के अंदर चले आना, ठीक है। और इसकी टेम्पर को आपको थोड़ा सा हमें यहाँ से प्लस की तरफ कर देना है, ठीक है। एंड इसकी चेचर को थोड़ा प्लस की तरफ कर देना इतना सा, एंड इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा डाल देना, ठीक है। और सिंपल आपको ऊपर मिक्स टूल के अंदर चले आना, ठीक है ना गाइस। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको कहीं सेकंड टूल्स को ऐड कर देना, और इसके चेचर में आपको कहेंगे माइनस की तरफ इस तरीके से कर देनी। तो आप देख सकते फेस पर यार, अगर आप 100 कर देंगे प्लस की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा चेचर आएगा अपने कलर अपने फेस पर। अगर आप माइनस की तरफ करोगे तो कलर वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेचर को माइनस की तरफ कर देना है 43 के आसपास तकरीबन, और इसके लूमेंस को थोड़ा मैं डाल लेता हूँ, ठीक है ना गाइस। एंड इसके मैं ह्यू को थोड़ा मैं ऐसे डाल लेता हूँ, ओके। एंड सिंपल मैं जाऊंगा गाइस इस येलो कलर के अंदर, एंड इसकी ह्यू को थोड़ा सा यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी शेडो को थोड़ा सा मैं यहाँ से डाल लेता हूँ 32, और यहाँ से मैं जाता हूँ स्क्रीन टूल्स के अंदर, ओके। एंड इसकी शेडो को मैं यहाँ से प्लस की तरफ 100 कर दूंगा, एंड इसकी ह्यू को यहाँ से मैं माइनस की तरफ 44 के तकरीबन कर देता हूँ, ठीक है ना गाइस। एंड सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर दूंगा, ओके। और फिर से मैंने डन पर क्लिक कर दिया। तो अब हम चलते हैं गाइस इस इफेक्ट्स टूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहने की इसकी क्लैरिटी को डाल देनी सबसे पहले 25, एंड इसकी डेज को डाल देना हल्का सा 10 के आसपास तकरीबन, और चाहे तो आप थोड़ी विग्नेट भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है, 11 के आसपास। और इसके टेक्सचर को हम डाल लेते हैं, ठीक है। और सिंपल मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस अब हम चलते हैं इस टूल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपको इसकी शार्पनिंग डाल लेनी, एंड डिटेल्स को फुल कर देना, ठीक है। एंड नॉइस रेडिएशन को थोड़ा सा डाल देना, एंड डिटेल्स को फुल, और यहाँ से इसके नॉइस रेडिएशन को डाल देता हूँ 23, एंड डिटेल्स को फुल कर देता हूँ। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अभी आपको कहना है कि इस पिक्चर को सिंपल सेव कर देना। तो आपको ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर देना। तो ये हमारी पिक्चर गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, ठीक है। और सेव होने के बाद हम पिक्चर को डिलीट कर देंगे, और ओके पर क्लिक कर दिया मैंने। और अब हम जाते हैं 3 डॉट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपको डिलीट पर प्रेस कर देना, और इसको कर दिया मैंने डिलीट। तो अब हम पिक्चर को फिर से ओपन कर देते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिक्चर फिर से ओपन कर दिया लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। अगेन यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा, और यहाँ से गाइस आपको क्या करनी कि प्रीसेट को अप्लाई कर देना, ठीक है। तो गाइस मैं प्रीसेट को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करनी, सबसे पहले आपको सिंपल 3 डॉट के अंदर चले आना, ठीक है। और यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, देन यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, तो आपको क्या है कि इसको डन पर क्लिक कर देना, तो ये हमारी कॉपी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ, और फाइनली हमारी कॉपी सेटिंग हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और अपनी पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस पिक्चर को ओपन करने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको नीचे जाना है, देन यहाँ से आपको पेज सेटिंग का आइकन क्लिक कर देना। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और देख सकते हो बस 1 क्लिक के अंदर हमारी पिक्चर ईयर बिफोर एंड ईयर आफ्टर कितनी बढ़िया से हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है बस 1 क्लिक के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद गाइस आप चाहे थोड़ी इसमें एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो, तो कैसे करना तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गाइस इस सन वाला आइकन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जाता हूँ गाइस वाइट के अंदर, एंड वाइट को मैंने इतना सा डाल लिया, ठीक है। एंड इसकी शेडो थोड़ा मैं माइनस की तरफ इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर देता हूँ, और अब मैं जाता हूँ इस इफेक्ट टूल्स के अंदर। और यहाँ से आपको कहने की इसके क्लैरिटी को थोड़ा और डाल लेना, ठीक है। एंड यहाँ से इसकी विग्नेट को थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, ओके, इतनी सी 22।
एंड यहाँ पे क्या करना, आपको टेक्सचर को थोड़ा डाल लेना, ठीक है। यहाँ से मैं डाल लेता हूँ तकरीबन इतना 30 के आसपास। सिंपल मैं डन पर क्लिक करूँगा और अभी आपको जाना पड़ेगा इस कलर टूल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपको टेम्परेचर को थोड़ा मैं डाल लेता हूँ, ओके। एंड यहाँ से मैं जाऊँगा गाइस ऊपर मिक्स टूल के अंदर और सेकंड टूल्स को ऐड करूँगा, देन यहाँ से इसके लुमिनस थोड़ा मैं और डाल लेता हूँ, ओके। और अब मैं जाता हूँ गाइस इस टूल्स के अंदर एंड इसकी यू तो एकदम राइट है, ठीक है। और इसको मैं डन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना गाइस। तो इसके बाद क्या करना है कि इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ, ओके इतना सा। एंड सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर देता हूँ, ओके ना गाइस। तो अब मैं जाता हूँ गाइस यहाँ से इस ट्रायंगल के अंदर अंदर और यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल्स को फुल कर देता हूँ और इसकी कलर नॉइस रेडियस हूँ गाइस यहाँ 66 एंड डिटेल्स को फुल और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा 10 के आसपास डाल लेना और इसकी नॉइस रेडियस को थोड़ा मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड डिटेल्स को फुल कर दिया मैंने और स्मूथ को थोड़ा और डाल देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस ईयर बिफोर एंड ईयर आफ्टर, तो कितनी बढ़िया से हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी गाइस। और इस पिक्चर को सिंपल मैं सेव कर दूंगा, तो आपको क्या करना है कि शेयर के आइकन पर क्लिक कर देना, देन यहाँ से सेव टू डिवाइस पर प्रेस कर देना। सो आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को जरूर से मिला होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।